नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेएम कार ड्राइव की एक और नई और बिल्कुल फ्रेश वीडियो में। इस समय अगर मैं भारत के अंदर यूथ के पसंद की अगर बात करूं तो 150 या फिर 160 सेगमेंट की गाड़ियों को यूथ काफी ज्यादा पसंद कर रही है। इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर आपको बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी मिलती है, अच्छी खासी रोड प्रेजेंस मिलती है, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी की तो बात ही क्या भाई साहब, और साथ ही रोड प्रेजेंस एक अलग लेवल की होती है गाड़ियां। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी 6 गाड़ियां लाया हूँ जो आती है 150 या फिर 160 सेगमेंट के अंदर, और ये गाड़ियां तबाही मचा देती है भारतीय बाजार में अगर ये गाड़ियां उतरती है रोड के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई साहब प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। चलिए बात कर लेते हैं 6 पोजीशन की गाड़ी की, और ये गाड़ी है एक फुल्ली नेकेड बजाज पल्सर 160। जी हाँ, बजाज पल्सर 160 NS 160 बेहतरीन लुक्स के साथ आती है। जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था इस सेगमेंट में, इस लुक्स के साथ, इस किलर लुक के साथ कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, और इस गाड़ी ने लॉन्च होते ही भारतीय मार्केट के अंदर आग सी लगा दी थी। तब से लेकर आज तक इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी शानदार है, इस गाड़ी की बिक्री जो है ना काफ़ी शानदार होती है भारतीय बाजार में। बजाज पल्सर NS 160 में 160 cc का BS6 कंप्लेंट फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो मैक्सिमम 17.3 BHP पावर और 14.6 न्यूटन मीटर तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। मतलब आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको इस गाड़ी में मिलता है। आपको इस गाड़ी में बेहतरीन माइलेज भी मिलता है। जी हाँ, लगभग इस गाड़ी में कंपनी 45 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है। मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल इंजन, और उसके साथ साथ 160 सेगमेंट cc का इंजन, और साथ ही इस इंजन के साथ आपको कंपनी 45 kmpl तक का माइलेज क्लेम कर रही है। मतलब अच्छी खासी गाड़ी है ये, इसलिए इस गाड़ी को ना जनता भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है। इस गाड़ी की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 1,24,000 रुपये के एक्स शोरूम के प्राइस पर ये गाड़ी आपको मिलना शुरू हो जाती है। आपको किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जानना है ना तो आपको क्या करना है, उस गाड़ी का नाम, आपके शहर का नाम कमेंट कर देना है, मैं आपके शहर में उस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है वो बता दूंगा। तो अपने शहर का नाम और गाड़ी का नाम जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं 5th पोजीशन की गाड़ी को, और ये गाड़ी है सुजुकी जिक्सर SF। एक्चुअली सुजुकी जिक्सर SF को ना भारतीय जनता ने उतना खासा अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं किया है। एक्चुअली इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा फीचर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी है, और साथ ही इस गाड़ी में आपको एक तगड़ा इंजन भी मिलता है। सुजुकी जिक्सर SF में 155 cc का BS6 कंप्लेंट फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 13.4 BHP पावर और 13.8 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। इतना पावरफुल इंजन के साथ इस गाड़ी लगभग 45 kmpl तक की माइलेज क्लेम करती है कंपनी इस गाड़ी में। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो सुजुकी जिक्सर SF 1,36,000 रुपये के एक्स शोरूम के प्राइस पर मिलना शुरू हो जाती है भारतीय बाजार में। सुजुकी जिक्सर भारतीय बाजार में काफ़ी अंडररेटेड गाड़ी है। इस गाड़ी को उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। वैसे ये गाड़ी काफ़ी शानदार है, अगर आपने सुजुकी जिक्सर चलाई है तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, और साथ ही आपको ये गाड़ी कैसी लगती है आप वो भी कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और 4th पोजीशन की गाड़ी को देख लेते हैं, और ये गाड़ी है यामाहा FZS FI। एक्चुअली जो नेकेड वेरिएंट था भारतीय बाजार में इसी गाड़ी से आया था, और इस गाड़ी का लुक्स, इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस टाइम पर और आज के टाइम पर भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी जानदार है, बेहतरीन लगती है ये गाड़ी, और चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है ये गाड़ी। और इस गाड़ी में 149 cc का BS6 कंप्लेंट फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 12.2 BHP पावर और 13.3 न्यूटन मीटर तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। यामाहा FZS FI में कंपनी लगभग 45 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो 1,20,000 रुपये से शुरू होकर लगभग 1,24,000 रुपये के प्राइस पर यामाहा FZS FI मिल जाती है भारतीय बाजार में न्यू दिल्ली के अंदर। 3rd पोजीशन पर आती है TVS Apache RTR 160। TVS Apache का एक अलग ही फैन क्लब है, बहुत ही शानदार लुक्स है। जिस हिसाब से बजाज पल्सर के एक अलग दीवाने हैं ना, उसी तरीके से TVS Apache के भी एक अलग दीवाने हैं भाई साहब। ये गाड़ी भारतीय बाजार में मिलती है, काफ़ी शानदार चलती है, काफ़ी शानदार बिकती है, काफ़ी शानदार लुक्स है, और अच्छा खासा माइलेज भी आपको ये गाड़ी निकाल कर दे देती है। इस गाड़ी में 164 cc का BS6 कंप्लेंट फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 19.2 PS की मैक्सिमम पावर और 14.2 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। मतलब आप सोच सकते हैं लगभग 20 BHP पावर के आसपास इस गाड़ी में आपको पावर मिल जाती है, तो आपको कितना शानदार इस गाड़ी में इंजन मिलता है। इस गाड़ी में लगभग 45 kmpl तक की माइलेज क्लेम करती है कंपनी 1,21,000 रुपये से शुरू होकर लगभग 1,45,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस पर TVS Apache RTR 160 मिल जाती है। वैसे TVS Apache RTR के काफ़ी सारे वेरिएंट भारतीय बाजार में मौजूद है, आपको कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद आता है आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। सेकेंड पोजीशन पर आते हैं, और सेकेंड पोजीशन पर है भारत की जान बजाज पल्सर 150। बजाज पल्सर के भी काफ़ी सारे वेरिएंट मौजूद है। 150 सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 150 सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी किंग है इस समय। इस
गाड़ी में 149 सीसी का BS6 कंप्लेंट फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 13.8 bhp की पावर और 13.25 न्यूटन मीटर तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। लगभग बजाज पल्सर 150 में कंपनी 48 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है। 1,05,000 रुपए से शुरू होकर 1,16,000 रुपए के एक्सशोरूम प्राइस पर बजाज पल्सर 150 मिलती है। वैसे 150 सेगमेंट के अंदर ना सबसे ज्यादा जो बाइक बिकती है वो बजाज पल्सर ही बिकती है। एक्चुअली ये गाड़ी एक स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी आती है और साथ ही इस गाड़ी को कंप्यूटर सेगमेंट की जो गाड़ियां लोग पसंद करते हैं ना वो लोग भी खरीद लेते हैं। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा शानदार काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक इस गाड़ी में मिलता है और आप बजाज पल्सर 150 लीजिए, बजाज पल्सर 180 लीजिए, 125 लीजिए, लुक सब में सेम ही मिलता है, हालांकि इंजन परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। और इस वीडियो की आखिरी गाड़ी है होंडा एक्सब्लेड। एक्चुअली होंडा की तरफ से बेहतरीन प्रोडक्ट है होंडा एक्सब्लेड। इस समय भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। इस गाड़ी के लुक्स काफ़ी शानदार है और काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड भी गाड़ी है ये। होंडा एक्सब्लेड में 162 सीसी का BS6 कंप्लेंट फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 13.67 bhp की पावर और 14.7 न्यूटन मीटर तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में इतना अच्छा खासा पावरफुल इंजन है, इतना अच्छा खासा टॉर्की इंजन है, उसके साथ भी कंपनी लगभग 50 kmpl तक की माइलेज इस गाड़ी में क्लेम कर रही है। मतलब अच्छा खासा माइलेज आपको होंडा एक्सब्लेड में मिल जाता है। और साथ ही मैंने आपको बताया ये गाड़ी एक फीचर लोडेड गाड़ी भी है ना, आपको इस गाड़ी में दुनिया भर के फीचर्स मिल जाते हैं। आप एक बार टेस्ट राइड जरूर करिएगा, ये गाड़ी आपको चलाने में चलने में दिखने में काफी ज्यादा पसंद आएगी। होंडा एक्सब्लेड की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 1,15,000 रुपए से शुरू होकर 1,20,000 रुपए के एक्सशोरूम प्राइस पर ये गाड़ी आपको मिल जाती है। वैसे आपको इन 6 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आती है, आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेंगे इन 6 गाड़ी में से, आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। और साथ ही आपके कोई भी सवाल है किसी भी गाड़ी से जुड़े तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो करना क्या है, अपने शहर का नाम, उस गाड़ी का नाम कमेंट कर देना है, मैं आपको आपके शहर के अंदर उस गाड़ी का प्राइस बता दूंगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।